गलतियाँ। पार कर रही खतरे का निशान। उफनती लहरों में खतरे में जान। मौसम विभाग ने फिर दिया अलर्ट। अगले 7 दिन भारी होगी बारिश। न्यूज 18 की अपील, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं आपके साथ लक्ष्मी। राजधानी पटना में हुई झमाझम बारिश के बाद गंगा नदी खतरे के निशान के पार बह रही है। दीघा से लेकर के कंगन घाट तक गंगा नदी उफान पर है। पटना के चारों तरफ जितनी भी नदियां हैं वो लगभग खतरे के निशान के पार कर चुकी हैं। भद्रघाट के पास गंगा नदी बांध को पार करते हुए सड़क पर बह रही है और इससे आसपास के घरों में रहने वालों को बाढ़ की आशंका सता रही है। भद्रघाट का जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। पिछले दिनों हुई झमाझम बारिश के बाद गंगा नदी खतरे के निशान के पार बह रही है। राजधानी पटना में जितने भी गंगा घाट है वहां की तस्वीर बदल गई है और हर घाट कुछ इस कदर फिलहाल नजर आ रहा है। भद्रघाट देखिए, जहां खतरे के निशान के पार गंगा नदी बहती हुई नजर आ रही है, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ गंगा की धारा नजर आ रही है। यहाँ बांध जो है, जो गंगा को बांधने के लिए बनाया जाता है, गंगा ने उसे भी पार कर लिया है। गंगा नदी बांध क्रॉस करते हुए जो सड़क है वहां तक पहुंच गई है और सड़क होते हुए अब जो यहाँ आसपास जो दुकानें हैं, मंदिर है, घर है, वहां के लोगों को अब डर सता रहा है, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो आने वाले 7 दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। और ऐसे में जो सड़क है, सड़क पर गंगा की जो धारा है वो पहुंच चुकी है। जो वाहनों की रफ्तार है यहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं, गंगा की धारा ने उसे भी रोक दिया है। गंगा और सड़क में जो फर्क है वो मिट गया है। एक तरफ गंगा नदी है, दूसरी तरफ सड़क है, लेकिन फिलहाल सिर्फ और सिर्फ गंगा की धारा ही नजर आ रही है। भद्रघाट पर यहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर एक डर सता रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर और बारिश हुई, गंगा की धारा और विकराल होगी, घर घर में गंगा की जो धारा है वो पहुंच जाएगी, क्योंकि यहाँ आसपास कई सारे घर हैं, कई सारी दुकानें हैं, मंदिर है, और यहाँ पे जो लोग हैं वो रहते हैं। ऐसे में उन लोगों को अब डर सता रहा है कि कहीं बाढ़ का जो सिचुएशन है वो पटना में भी ना आ जाए, कहीं जो गंगा की धारा है, जो लगातार बढ़ता जल स्तर है, कहीं उनके घर में भी ना घुस जाए, क्योंकि यहाँ सड़क पर गंगा की रफ्तार पहुंच गई है। जितने भी गंगा घाट है, चाहे दीघा हो, NIT हो, भद्रघाट हो, हर घाट की तस्वीर फिलहाल ऐसे ही नजर आ रही है। खतरे के निशान के पार गंगा बह रही है, और सिर्फ गंगा ही नहीं, पटना के आसपास जितनी नदियां हैं वो खतरे के निशान के पार बह रही है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। शनिवार को हुई बारिश के बाद पटना में पूर्वी छोर से लेकर के पश्चिमी छोर तक जलजमाव के हालात दिखे। जलजमाव से लोग परेशान दिखे। नगर निगम की ओर से जलजमाव से जल्द राहत का दावा किया गया था। सीएम के निर्देश के बाद एक्शन भी दिखा, लेकिन अभी भी हालात सामान्य नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में पटना नगर निगम आयुक्त ने एक बड़ा फैसला किया है। नगर निगम के अधिकारियों की छुट्टी सितंबर तक रद्द कर दी गई है। जलजमाव और मौसम को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। तो आपको बताने चले कि नगर निगम आयुक्त का यह आदेश कि नगर निगम के अधिकारी जितने भी हैं उनको छुट्टी नहीं मिलेगी, सितंबर तक उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं जलजमाव की स्थिति को देखते हुए। और आपको बता दें कि इमरजेंसी बैठक हुई और उसमें सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया, साथ ही साथ उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जलजमाव की जो स्थिति बनी हुई है उससे निपटने के लिए ये फैसला लिया गया है। आपको बताते चले, इससे एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने भी जलजमाव जैसे हालात जहां पर बने हुए हैं उन क्षेत्रों का जायजा लिया था।
और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं। विनीता, देखिए कई क्षेत्र में जलजमाव जैसी स्थिति बनी हुई है, लगातार जलस्तर भी कई नदियों का बढ़ता जा रहा है, तो जलजमाव के हालात दिख रहे हैं और ऐसे में यह आदेश लिया गया है कि नगर निगम के जितने भी अधिकारी हैं उनको छुट्टी नहीं मिलेगी, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल लक्ष्मी, जिस तरीके से पिछले दिनों झमाझम राजधानी पटना में बारिश हुई, नगर निगम की कहीं ना कहीं पोल खुली है क्योंकि पूरा पटना एक तरीके से जलमग्न, यानी सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा था, हर गली हर मोहल्ले, यहां तक कि जो पॉश इलाका है, जो मेन सड़कें हैं, वो भी पूरी तरीके से जलमग्न हो गई थी, जिसके बाद नगर निगम के कर्मचारी फटाफट जो पानी है उसे निकालते हुए नजर आए। और यही वजह है कि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी निरीक्षण किया, तमाम वो तस्वीर को वो देखते नजर आए और निर्देश दिया कि जितनी जल्दी हो सके पटना में जहां जहां जल जमाव है, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है, उसे वहां जल जमाव की स्थिति से निजात दिलाया जाए। यही वजह है कि रात के 3 बजे तक नगर निगम के आयुक्त से लेकर तमाम कर्मचारी निरीक्षण करते नजर आए, तमाम वो तस्वीर देखते नजर आए, जायजा लेते नजर आए और पानियों को फटाफट कल से लेकर आज तक निकाला गया है। कल जहां राजेंद्र नगर की स्थिति खराब थी, जहां कुर्जी हॉस्पिटल में पानी घुसा हुआ था, जहां कई ऐसे इलाके हैं, चाहे गांधी मैदान का इलाका हो, जहां भी हम मौजूद हैं, गांधी मैदान पूरी तरीके से जलमग्न था, विस्कोमान के ठीक सामने घुटने तक पानी था। लेकिन आज की जो तस्वीर है वो देखिए, नगर निगम के जो कर्मचारी हैं अब काम करते हुए नजर आ रहे हैं, यहां पर अभी थोड़ी देर पहले पानी पानी नजर आ रहा था, एक एक करके वो तमाम जगहों को चिन्हित किया गया है जहां से पानी निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। और इस तरीके से टैंकर की मदद से जहां भी सड़क पर या कहीं गली मोहल्ले में पानी जमा है, जल जमाव की स्थिति है, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, वैसी जगहों को पूरी रात देखा गया है, चिन्हित किया गया है और अब एक एक करके सभी जगह से पानी निकाल लिया गया है। गांधी मैदान यहाँ पर गेट नंबर 1 के पास जो पानी है वो निकाला जा रहा है और राजेंद्र नगर जहाँ कल एग्जाम था, एग्जाम सेंटर में जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे थे घुटने भर पानी में घुसकर अंदर एग्जाम देने गए, अब वहां की तस्वीर बदल गई है, वहां भी पानी हटा लिया गया है। कुर्जी हॉस्पिटल जहां पे इमरजेंसी मरीज जाते हैं इलाज, लेकिन विनीता देखिए हर साल जल जमाव की स्थिति देखी जाती है और इंतजामों की पोल भी खुलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के जायजा लेने के बाद ये कदम क्यों उठाया गया, अधिकारियों की छुट्टी कैंसिल कर दी गई, क्या नगर निगम की आंखें पहले नहीं खुलती है, क्योंकि न्यूज 18 भी लगातार जल जमाव की स्थिति दिखा रहा है जब से मानसून की एंट्री हुई है। बिल्कुल लक्ष्मी, एक बड़ा सवाल है क्योंकि लगातार आपने तस्वीर दिखाने की बात की, कई ऐसी तस्वीर भी दिखाई गई है कि मानसून एंट्री होता है नाले की खुदाई कर दी जाती है, ऐसे में जो सिचुएशन है जैसी 2 दिन पहले कल की जो तस्वीर थी वो आम सी बात हो गई है और हर साल ऐसी ही तस्वीर नजर आती है। नगर निगम की तरफ से प्लानिंग तो बनाई जाती है, दावे तो किए जाते हैं कि जल जमाव नहीं होगा, लेकिन झमाझम बारिश 1 से 2 दिन होती है पटना में और उसके बाद पूरा पटना पानी ही पानी नजर आता है। हालांकि नगर निगम के कमिश्नर अनिमेश परासर से जब बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि कल सीएम ने निरीक्षण किया, 3 बजे तक वो भी परेशान है, 3 बजे तक वो तमाम जितने भी घाट हैं वहां का निरीक्षण कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि गंगा का जो नदी है, गंगा जल है, वो लगातार बढ़ रहा है और शायद ये एक मुख्य कारण है कि बार बार पानी उनकी तरफ से ये जो टैंकर लगा हुआ है इस टैंकर के माध्यम से निकाला जा रहा है, क्योंकि पहले ऐसी हालात नहीं होते थे, पानी निकाले नॉर्मल हो जाता था सिचुएशन, लेकिन अभी गंगा लेवल बढ़ने के कारण जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। लेकिन ये पहली बार नहीं है, हर बार दावे किए जाते हैं लेकिन हकीकत यही होती है कि बारिश हुई, जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और कल जो रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई और सभी जगह पानी ही पानी नजर आ रहा था। ठीक है, अधिकारी एक्टिव हुए हैं, छुट्टियां रद्द कर दी गई है क्योंकि सीएम ने निरीक्षण किया, सीएम ने वो तमाम तस्वीर देखी, निर्देश दिया कि जल जमाव से किसी भी कीमत पर निजात मिलना चाहिए और शायद यही वजह है कि नगर निगम के कर्मचारियों की नींद खुली है। कमिश्नर की तरफ से तमाम अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है सितंबर तक, क्योंकि अभी मौसम विभाग की माने तो 1 हफ्ते तक यही बारिश का आसार नजर आ रहे हैं, यानी झमाझम बारिश होगी, ऐसे हालात फिर से पटना में उत्पन्न ना हो, फिर से घुटने भर पानी में घुसकर बच्चों को एग्जाम देने ना जाना पड़े, इसी कारण कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की गई और साफ। बिल्कुल विनीता, देखिए देर से ही सही, लेकिन अब अधिकारी एक्टिव हो चुके हैं, अब देखना होगा कि क्या कुछ टेक्निक्स अपनाया जाता है इनके द्वारा जल जमाव की स्थिति पर कंट्रोल के लिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। दानापुर में आरजेडी विधायक रीतलाल राय ने लेखानगर में जल जमाव का जायजा लिया, प्रभावित इलाकों में जाकर के विधायक ने लोगों से बातचीत भी की
और जलजमाव से तत्काल राहत के उपाय पर जोर दिया। लोगों को राहत देने के लिए 6 से अधिक जेसीबी की सहायता से जगह जगह नालों की सफाई की गई। जल निकासी में बाधा बने रास्तों को काटकर पानी की निकासी का रास्ता भी बनाया गया। बताते चले आपको कि शुक्रवार को ही बारिश के बाद दानापुर के कई रिहायशी इलाके में जलजमाव से हाल बेहाल है। पटना में हुई झमाझम बारिश के बाद गंगा नदी खतरे के निशान के पार बह रही है। गंगा में उफान के बाद भी नदी के उस पार रहने वाले लोग दो वक्त की रोटी के लिए जान हथेली पर रख करके नाव के जरिए नदी पार कर रहे हैं। इससे नाव पर काफी अधिक भीड़ भी दिख रही है। गंगा नदी में जान जोखिम में डाल करके ये नाव चल रही है और इस नाव का जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। राजधानी पटना में हुई झमाझम बारिश के बाद गंगा नदी खतरे के निशान के पार बह रही है और इस खतरे को दावत देते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं। कारण ये है कि इनके पास मजबूरी है। गंगा के उस पार रहने वाले लोग अपनी दिनचर्या के मद्देनजर हर दिन गंगा पार करते हैं, अपने पूरे सामान के साथ उस तरफ से इस तरफ आते हैं और नाव पर आप देख सकते हैं कितनी अधिक भीड़ है और ऐसे में कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है। नाव पर कई साइकिल सवार हैं, सब्जियां नाव पर लादी गई हैं क्योंकि उस तरफ से सब्जियां लेकर लोग इस तरफ रोजगार के लिए आते हैं, सब्जी बेचने आते हैं। दूध का कारोबार हर दिन उस तरफ से इस तरफ होता है। कोई पुल ना होने की वजह से ये लोग नाव पर आश्रित हैं, हर दिन नाव से सफर करते हैं और ऐसे में अभी जो वर्तमान स्थिति है, गंगा खतरे के निशान के पार बह रही है और ऐसे में कोई भी घटना दुर्घटना कभी भी यहाँ पर हो सकती है। दिघा घाट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हर दिन ये तस्वीर यहाँ देखने को मिलती है। हर दिन इनके लिए सामान्य होता है क्योंकि इनकी जो जीवन शैली है वो ऐसी है कि इस तरफ से उस तरफ और उस तरफ से इस तरफ इन्हें हर दिन आना और जाना पड़ता है। लेकिन फिलहाल जो गंगा की लहरें यहाँ नजर आ रही है, अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ओवरलोडेड नाव पर जैसे ये लोग सवार होते हैं कैसे दुर्घटना घट सकती है। हर दिन ये लोग दूध सब्जियां लेकर उस तरफ से इस तरफ आते हैं और बेचकर वापस उस तरफ जाते हैं। ऐसे में नाव पर ओवरलोडेड लोग सवार होते हैं, बाइक सवार होते हैं, सब्जियां होती हैं, दूध होती हैं, ऐसे में दुर्घटना घट सकती है क्योंकि डीएम की तरफ से आदेश भी है कि फिलहाल जिस तरीके से गंगा का वाटर लेवल बढ़ा हुआ है नाव का परिचालन ना हो, लेकिन इनकी मजबूरी है कि हर दिन इन्हें नाव पर सवार होकर उस तरफ से इस तरफ आना ही पड़ता है, नहीं तो फिर ये खाएंगे क्या। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। न्यूज 18 संवाददाता की बातें आपने सुनी और किस तरीके से गांव वाले जो हैं वो नदी के उस पार जाने के लिए मजबूर हैं, लेकिन नाव पर सफर के दौरान प्रशासन के निर्देश का पालन करना भी जरूरी है। निर्देशों का पालन आप लोग जरूर करें, उफनती लहरों में सफर से बचें। न्यूज 18 की भी अपील यही है कि सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। भागलपुर में गंगा नदी उफान पर है, लगातार गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। सुल्तानगंज प्रखंड के कल्याणपुर दियारा और मोतीचक में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोगों के घरों में पानी भर गया है, लोग ऊंचे और दूसरे के घर में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। इलाके का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। भागलपुर में बाढ़ से स्थिति अब भयावह होती जा रही है। सुल्तानगंज प्रखंड के निचले इलाके में पूरी तरह से पानी भरा आया है, पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। तस्वीर देखिए कि किस तरह से लोगों के घरों में पानी भरा आया है और लोग अब ऊंची जगह पर शरण लेने को मजबूर हैं। यह घर पूरी तरह से डूब चुका है और बच्चे जो है वो अब दूसरी जगह पर जा रहे हैं और बच्चों को भी दिक्कत हो रही है। साथ ही जो लोग हैं अब किसी तरह से वो जीवन यापन कर रहे हैं। बाढ़ से एक पूरा परिवार जो है वो पीड़ित है और वो अब ऊंची जगह पर शरण लिए हुए हैं। कैसे दूसरा के घर में है? हाँ। आपका घर यह है ने डूब गया है? हाँ, ये डूब गया। अब दूसरे घर में तब पानी हो जाए चल रहा जैसे लोग हाँ। बच्चा बुतरू सब बेल लाख के बच्चे पुत्रों को लेकर? हाँ, तब यहाँ घर कैसे रहेगा? खाना पीना कैसे बनाते हैं? तो वैसे है, वो चौकी पर अभी बन रहा है। चौकी पे बना रहे हैं खाना पानी में? हाँ। दिक्कत हो रही है। हाँ। अभी और पानी बढ़ेगा तब बढ़े चल रहा है पानी भीतर के घर में। हाँ। और फिर आप लोग कहाँ रहते हैं? गाँव में रह ले न तो सड़क पे। हाँ। सुल्तानगंज का जो निचला इलाका है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है
अगर जलस्तर में बढ़ोतरी होती है तो मजबूरन लोगों को अपना घर खाली करना पड़ेगा और ऊंची जगह पर लोग शरण लेने को मजबूर हो जाएंगे। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18, भागलपुर। पटना के गांधी मैदान की सुरक्षा में सेंध का मामला। न्यूज 18 की खबर के बाद एक्शन लिया गया। स्टंट करने वाली कार जब्त कर ली गई। गोपालपुर थाना क्षेत्र से कार पकड़ी गई। आपको बताते चलें कि हिरासत में लिया गया है कार का ड्राइवर। ड्राइवर से पुलिस की पूछताछ जारी है। गाड़ी ड्राइवर पर जल्द ही खुलासा होगा। जो स्टंट करने वाली कार जब्त कर ली गई है, सुरक्षा में चूक का ये मामला बताया जा रहा है। न्यूज 18 ने जब इस खबर को दिखाया, इसके बाद एक्शन लिया गया। पटना के गांधी मैदान की सुरक्षा में सेंध का यह मामला है। बता दें आपको, स्टंट करने वाली कार जब्त कर ली गई है। ड्राइवर को भी हिरासत में लिया गया है और इसके बाद ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही गाड़ी के ड्राइवर से जुड़ा हुआ खुलासा किया जाएगा। खबर जहानाबाद से है। मखदुमपुर वाणावार पहाड़ स्थित सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में एक बड़ा हादसा हुआ। तीर्थ स्थल में भगदड़ मचने से 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। जहानाबाद डीएम ने मौत की पुष्टि की है। मरने वालों में 5 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं। आपको बता दें, बताया जा रहा है कि देर रात की घटना है और रात 12 से 1 बजे के करीब पहाड़ी पर चढ़ने के दौरान श्रद्धालुओं के बीच सीढ़ी पर भगदड़ मच गई। इससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। जान बचाने की कोशिश में श्रद्धालु इधर उधर भागने लगे और इसी दौरान कई श्रद्धालु नीचे गिर गए। भीड़ में दबने से श्रद्धालुओं की मौत होने की बात कही जा रही है। कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो इस बड़े हादसे में घायल हुए हैं। घायल श्रद्धालुओं के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में एक बड़ा हादसा, भारी भगदड़ में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जिसमें 5 महिलाएं बताई जा रही हैं और 2 पुरुष भी हैं जिनकी मौत हो गई है और 10 से 15 श्रद्धालु ऐसे हैं जो कि इस भगदड़ में चोटिल हुए हैं, घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। सर ऊपर में नहीं, क्या हुआ था सर? ढकला ढकली होने लगा एक बैग में, मतलब, और इतना ज़्यादा भीड़ हो गया कि मतलब भीड़ कंट्रोल नहीं हो पाया और जिधर उधर एकदम, मतलब सर मृतकों की संख्या को लेकर संशय है कि इसकी संख्या बढ़ सकती है, तो अभी कितनी है? थोड़ी देर बाद हम लोग आधिकारिक तौर पर बात करेंगे। प्लीज अभी इसको, मेरा जो पर्पस है पहले इसको हम लोग हल करने के लिए, जो उसका विधिवत प्रक्रिया है उसको हमको करना है, इसके लिए हम लोग अभी लाइनअप कर रहे हैं। ये सब बातें थोड़ी देर बाद हो सकती है। सर, सर सुरक्षा में लैक को लेकर बड़ा मामला माना जा रहा है, घटना कैसे हुई? तीन सोमारी जो रविवार की रात्रि को जो भीड़ होती है ज़्यादातर, 3 सोमारी के बाद ये 4th सोमारी थी। जैसी सतर्कता है हम लोग इससे ज़्यादा सतर्क थे। हाँ, यहाँ पर डीएम साहब भी आए थे, एसपी साहब भी आए थे और वो सब विजिट कर रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं कि कहाँ पर क्या क्या। ये तो प्रशासनिक क्या क्या अभी यहाँ पे आप लोगों ने क्या व्यवस्था कर रखी है? व्यवस्था है कि सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, नाम पता का हम लोग उनके परिजन से मिल रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं उनका, फिर विधिवत सम्मत जो भी पोस्टमार्टम होगा हम लोग करवा रहे हैं। फर्दर क्या डीएम एसपी आ रहे हैं? अभी सर क्षेत्र में ही है और सब जगह जहाँ जहाँ जो भी सूचनाएं मिली है कि कहाँ का। वाणावर हादसे पर मुख्यमंत्री ने दुख जताया है। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के आश्रितों को मुआवजा देने की भी बात कही जा रही है। 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान राशि का ऐलान किया गया है। घायलों के इलाज के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। तो आपको बताते चलें कि वाणावर हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर है और इस हादसे को लेकर के मुख्यमंत्री ने भी दुख जताया है। बता दें आपको, मृतकों के आश्रितों को मुआवजा मिलेगा। 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान राशि देने का ऐलान कर दिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा और जो लोग घायल हैं, घायलों के इलाज के लिए भी निर्देश दिए गए हैं।
इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, नजर डालेंगे हेडलाइंस पर।